मात्र ढाल सिंह बिसेन साहब लोकप्रिय सांसद जोरदार अभिनंदन करें ढाल सिंह जी बिसेन साहब का मंच पर ही विराजमान हमारे अपने इस जिले के सभी माननीय विधायक हमारे लांजी विधायक जोरदार अभिनंदन और कटंगी है ना दोनों का अभिनंदन और हमारी बहन मुजारे बहन जी आपका भी अभिनंदन पटेल साहब आपका भी अभिनंदन मंच पर उपस्थित मेरे अपने छोटे भाई और आपके अपने भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष नानू कांवरे जी जोरदार अभिनंदन करें कांवरे जी का भी भरा पूरा मंच एक बार पूरा अभिनंदन कर दे मेरे को भी जल्दी जाना है आज में तीन कार्यक्रम है तीन जिलों में जाना है यहाँ के बाद तुरंत छिंदवाड़ा से फिर भोपाल में एक और कार्यक्रम है हम सब मानते हैं आज के इस दौर में खास करके बदलते हुए समय में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अद्भुत व्यक्तित्व है हम इस बात का एहसास करें नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही 142 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के अंदर एक तरह से करंट दौड़ जाता है अंदर से एहसास होता है हाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं लेकिन देश के सबसे बड़े पद को गौरवान्वित करते हैं ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है और लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका है जो सभी जातियों के बीच समान रूप से सभी विकास करने के साथ ना केवल देश के अंदर अपनी कामों के बलबूते पर एक अलग पहचान बना रहे हैं उनके साथ साथ अभी या थोड़े दिन पहले माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिनके साथ मैं कल ही एक कार्यक्रम में था एक बार शिवराज सिंह चौहान जी का भी अभिनंदन करें उनको भी स्मरण कर रहा हूं हमारे बीच हमारी अपनी पार्टी के अंदर ये गौरवशाली परंपरा है जिसके आधार पर गांव-गांव में जिले जिले में शहर शहर में नगर नगर में अगर विकास का कारवा बड़ा है तो उसका एकमात्र कारण हमें इस बात का गर्व है कि सरकार तो आएगी और जाएगी सरकार वो जिसके कामों के माध्यम से सरकार पहचानी जाए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन भूल सकता है हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें करतल ध्वनि से अभिनंदन करें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने विपक्ष को भी गौरवान्वित किया और जब सरकार चली तो सरकार भी ऐसी चली कि हाँ लगता था कि हमारी सरकार है गरीब से गरीब आदमी के गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क बना करके एक तरह से सौगात दी है मुझे इस बात की प्रसन्नता है यद्यपि कि सभी पुरानी सरकारों ने काम किया है कोई सरकार खराब नहीं होती है ये तो हम भाग्यशाली हैं आजादी के बाद भारत में लगातार सत्ता के माध्यम केवल जनता है जनता ने जिसको वोट दिया उसके आधार पर सरकार बनती आई अन्यथा आप तो टेलीविजन का जमाना है सोशल मीडिया का जमाना है बगल के पाकिस्तान और कई देश देख लो क्या हो रहा है वहां पे कैसी हालत है ऐसी हालत में भी अपने बलबूते पे सरकार बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से तो अपने देश के जनता ने एक नया संदेश दिया है कोई सोच सकता था पहले 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी वो भी कारण इंदिरा जी की असामयिक हत्या हो गई थी तो जनता गम में डूबी थी और एक झटके के साथ पूरा देश ने मिलकर के राजीव गांधी जी की सरकार बनाई लेकिन धीरे धीरे बहुदली सरकार की आदत पड़ गई हमारा लोकतंत्र कहीं किसको लेकिन कुल मिला के सरकार हमारी बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 24 दलों को मिला के सरकार बनाई थी अब आप बताइए 24 दलों को मिला के सरकार बना के चलाना कितना कठिन काम होगा उसके पहले नरसिम्हा राव जी ने भी 11 दलों को मिला के सरकार बनाई लेकिन बहुदलीय सरकारी व्यवस्था में कई सारी कठिनाइयां होती है लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है जनता के बीच गुजरात के मॉडल के आधार पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था जनता के बीच वो गए गोवा में घोषित हुए स्टार प्रचारक और अपने कामों के बलबूते पर
मोदी जी ने जनता के बीच जब बात रखी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहली बार 35 साल के बाद प्रचंड बहुमत से एक दल की सरकार बना करके पूरे देश ने संदेश दिया है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र धीरे 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 मजबूत होता जा रहा है, दिन दूना रात चौगना। और ये मैं तो लोकतंत्र के लिए अच्छा मानता हूं, किसी भी दल की सरकार बने, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की बनना चाहिए। जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनती है तो अपने आप संदेश हो जाता है। और अब तो जनता 2019 में फिर माननीय मोदी जी को, और तब तक मोदी जी के काम को और सरकार को देख भी लिया, हमारे देश की सीमाओं पर पाकिस्तान अपने जन्म के समय से ही संकट खड़े करता रहा है। कभी क्या करता, कभी क्या करता, कभी आतंकवादी भेजता, कभी और कोई घटना को अंजाम देता है, कभी हमारे देश के कातिलों को अपना पनाह दे करके, हमारे दुश्मन को जगह दे करके हमको मुंह चढ़ाने का काम करता है। हमको मालूम है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण से हमारी देश की सीमाओं पे रक्षा करने वाले सैनिक, उनके सर काट के भी पाकिस्तान के सैनिक अपनी सीमा में ले जाते, फुटबॉल खेलते, हमको फुटबॉल खेलते वो सारे पाकिस्तानी दरिंदे, ऐसा लगता कि परमात्मा ये कौन सा जन्म दे दिया। हमारे देशभक्त रक्षा सैनिकों की, वो तो हमारी रक्षा में लगे, उनने किसका क्या बिगाड़ा था, लेकिन हमारे सामने देश के सैनिकों के सिर फुटबॉल की तरह लात मार करके पूरे देश को लज्जित करने का काम वो करते थे। पूरा देश हताशा से, निराशा से, गुस्से से देखता रह जाता था, लेकिन उसका बदला नहीं ले पाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब एक दल की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको घर में घुस करके उन आतंकवादियों के छक्के छुड़ा करके उनको एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान को आप चाहे जिस दृष्टि से देखो, लेकिन हिंदुस्तान और अपनी सेनाओं की, सीमाओं की और सैनिकों की रक्षा करना जानता है। हमको इस बात की प्रसन्नता है, एक बार नहीं, दो दो बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर बार सेना के मान सम्मान का, देश के आत्मसम्मान का जब मौका आया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को सबसे पहले खड़ा होकर के देश का मान बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री के हम देश में रहते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और केवल एक ही क्षेत्र नहीं है, हमने देखा आजादी के बाद जब ये हिसाब लगाने लगे देश के लोग कि हाँ, प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसे होना चाहिए, तो दूसरी बार फिर 2019 की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली। उनने एहसास कराया, देश का उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सबको साथ लेके चलने का और सबके बीच विकास के मामले में मदद देने का डबल इंजन की सरकार का नारा आया। और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से एक के बाद एक हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। अब 14 से 18 या 19 तक की सरकार थोड़ी आत्मनिर्भरता की तरफ थी, लेकिन अब देश स्वाभिमान के साथ सरकार में जी रहा है। हमने सबने देखा कोविड का खराब समय, मुझे बालाघाट भी याद आता है, यहां पर भी हाहाकार मचा था, जान के लाले पड़े थे, ना दवाई का ठिकाना, ना मरीज का कोई संभालने वाला, और तो और भूले भटके मर जाए तो घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं, इतना डर का माहौल था। ऐसा बिल्कुल एक नई दुनिया में हम प्रवेश कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय भी निर्णय लिया कि कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि रोजगार धंधे बंद हो गए थे, कोई को आने जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे, देश में लॉकडाउन लगा करके उस समय ताली और थाली बजा करके देश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमको ताली और थाली के माध्यम से सावधान कर रहे थे। भारत सरकार जब चुनी जाती है तो लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के वोट से चुनी जाती है, उसकी जवाबदारी होती है, उसकी हिस्सेदारी होती है, वो सबके विश्वास की आशा और अपेक्षा के आधार पर होती है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन भी कराया लेकिन हजारों जान को बचाने का काम भी कराया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसके कारण से पूरे दुनिया में संदेश गया कि एक ऐसा इतना बड़ा देश जिस देश की आबादी 142 करोड़, लेकिन ऐसे विविधता वाले देश में जहां रेगिस्तान है, सियाचान जैसी हड्डी जमाने वाली बर्फ है, सब मौसम अलग अलग प्रकार का, विविध प्रकार के फैले हुए भौगोलिक भूभाग में लोग, लेकिन हर व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार उनके साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश की सरकार भी बराबरी से खड़ी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं आया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मोदी जी के माध्यम से हमारे देश के स्वाभिमान के और हमारे देश के अंदर की कुव्यवस्था के, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामला आया, और 3 तलाक के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये 3 तलाक मुस्लिम बहनों के जीवन में नरक का काम करेगा, उनकी जिंदगी असहाय बनाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर वो खराब कानून को बदलने का काम किया कि 3 तलाक भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता है। 3 तलाक के माध्यम से कोई धर्म की बहने हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर किसी के जीवन में भी कष्ट आएगा तो माननीय मोदी जी वहां आगे खड़े होते हुए हमको दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी अभी चिल्लाने लगे थे भाई बहन कि पैसा नहीं है, एक ही बार सरकार बनाइए, आगे कहां से लाओगे। हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे, ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। ये आपके अपने इस छोटे से कार्यकर्ता का और प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है। मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहां जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी हमारे कांवरे जी कह रहे थे, कांवरे जी ने कहा कि ये आयुर्वेदिक के मंत्री थे, इनकी बहुत इच्छा थी, और यहां तो बालाघाट में पूरा वनांचल, कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता है। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए। हमने सरकार के पहले अंतरिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहाँ पर 3 उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है, और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है। ये डबल इंजन की सरकार है, आप अभिनंदन करें अपने विकास कार्यों का, जरा आनंद आना चाहिए कि नहीं, आनंद जाना चाहिए, जोरदार ताली बजा करके ये सारे होने वाले कामों में।
आप सहयोगी बने। जो काम हम कर रहे हैं जरा आप देखो तो सही, कौन कौन से काम है। 715 करोड़ के 29 नवीन निर्माण कार्य जिनके आधार पर मैंने भूमि पूजन किया, उसमें 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक मिरकपुर एक फैक्ट्री बनने वाली है, उसका भूमि पूजन हमने किया है। 300 करोड़ की लागत से गुडरू घाट, मैं आता हूं पंडितों की नगरी से तो मेरे को गुरु जल्दी दिखता है, लेकिन गुडरू घाट, ये गुडरू घाट में लगभग 300 करोड़ की लागत से इथेनॉल का नया प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ है। हम सब अभिनंदन करें इस बात का। 200 करोड़ की लागत से सिलिको फेरो अलाइज स्टील इकाई का निर्माण कार्य भी यहाँ शुरुआत की है। लगभग 12 करोड़ 51 लाख की लागत से कीनी खुरमंडी अमई कोचेवाई बकोड़ा इत्यादि स्कूल हाई स्कूल खोलने का यहाँ का भूमि पूजन किया। कौन कौन से विधायक के क्षेत्र में आता हाथ खड़े कर देना, बताते जाना, आपके इसमें भी आता है, बहुत अच्छा, ताली वाली बजा कर अभिनंदन कर सकते। 2 करोड़ 17 लाख की लागत से तिरोड़ी मलाजखंड शासकीय महाविद्यालय का आज यहीं पर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस अवसर पर चंदन नदी पर झालीवाड़ा मेहदुली मार्ग में 11 करोड़ 43 लाख की लागत से वाराणसी ने जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए निर्माण कार्य का। 20 करोड़ 42 लाख की लागत से, अब नाम पढ़ूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, विभिन्न ग्रामीण सड़कों का भूमि पूजन भी यहीं संपन्न किया है। और 45 करोड़ की लागत से लगभग 45 विकास कार्यों का यहां पर आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 20 नल जल योजना। आप बताइए हमारे भाई बहन गांव के अंदर वो नल से जल क्यों नहीं पी सकते। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने निर्णय किया एक एक गांव में नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव के अंदर नल जल की इकाई स्थापित करेंगे। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर लगातार हॉस्पिटल की डिमांड है और हॉस्पिटल में लगभग 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों के 14 करोड़ 83 लाख की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने माननीय मोदी जी का और मध्यप्रदेश सरकार का, जिसके माध्यम से हॉस्पिटल की सुविधा हमको मिलेगी, हेल्थ की सुविधा मिलेगी। 6 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम भी आज लोकार्पित किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर कई सारे मामले आपको सामने बता सकता हूं, और कोदो कुटकी के मामले में तो हमने सबसे पहली सरकार मध्य प्रदेश में गठित होने के बाद हमारे इस क्षेत्र की बेटी रानी दुर्गावती, जिसने जीते जी हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के माध्यम से की है। जोरदार अवंतीबाई और रानी दुर्गावती का अभिनंदन करें। अरे जिनका अतीत हमारा गौरवशाली है।